नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। ये वीडियो है उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा कंडक्ट किया गया प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2018 के सॉल्ट पेपर्स का, और फरवरी 18 को ये पेपर कंडक्ट कराया गया था। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से कि इनमें से मिस वर्ल्ड टाइटल जिनको दिया गया है वो इंडिया से है। तो ये जितने भी चारों नाम हैं ये सभी के सभी इंडिया से ही हैं, तो इसका आंसर डी होगा। और बता दें कि सबसे पहला जो मिस वर्ल्ड का इनाम था वो रीटा फारिया को दिया गया था, उसके बाद ऐश्वर्या राय को 1994 में, डायना हेडन इसको 1997 के अंदर दिया गया था, प्रियंका चोपड़ा को 2000 में दिया गया था, और मनुश्री चिल्लर को अभी रिसेंटली 2017 के अंदर दिया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स एज गिवन बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक IDI इंडेक्स निकालता है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स। इसके अंदर इंडिया की रैंक पिछले जो साल थी वो 60th रैंक थी 2017 के अंदर, और इस साल जो अभी जो जारी हुआ है उसमें 62 पोजीशन है। और ये जो रैंकिंग है अभी इस बार 103 वर्ल्ड की इकोनॉमीज डेवलपिंग इकोनॉमीज को जारी की गई है। और अगर सबसे टॉप मोस्ट इस लिस्ट को जिसने किया है वो नॉर्वे कंट्री है, नॉर्वे ने इस पहला स्थान पाया है। ये इंडेक्स होता किस लिए है, ये जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स होता है ये 3 पैरामीटर पर काम करता है। पहला लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, दूसरा एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी कैसी है, ये एनवायरनमेंट को कंसर्न करके डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा, और जो तीसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है प्रोटेक्शन ऑफ फ्यूचर जनरेशन फ्रॉम फर्दर इनडेबिटनेस, कितनी उधारी ली जा रही है ताकि आगे आने वाली जनरेशन पे बोझ ना पड़े। ये 3 मेन फैक्टर्स होते हैं इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स के। और ब्रिक्स कंट्रीज की बात करें तो ब्राज़ील में इस साल की रैंक 37 है, रशिया की 19 थी, इंडिया की बताई थी 62 है 2018 के अकॉर्डिंग, और चाइना की 26 है, और साउथ अफ्रीका की 69th है। और नेबरिंग कंट्रीज की बात करें तो श्रीलंका की 40 है, बांग्लादेश की 34 है, और नेपाल की 22 है, और पाकिस्तान की 47th रैंक है। तो ये है इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन 2017। तो 2017 की जो डिजास्टर रिडक्शन की इंटरनेशनल डे की थीम थी ये होम सेफ होम रिड्यूसिंग एक्सप्लोजर रिड्यूसिंग डिस्प्लेसमेंट, ये इसकी थीम थी होम सेफ होम। हर साल 13 तारीख को बनाया जाता है। फोर्थ क्वेश्चन, गिव इट कैंपेन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये गिव इट कैंपेन था, ये रिलेटेड था LPG सब्सिडी से रिलेटेड, कि रिच पीपल्स अपनी जो सब्सिडी है वो गिव अप कर दें ताकि जो पुअर है नीडी है उनको न्यू LPG कनेक्शन अलॉट किया जा सके। तो ये गिव इट अप कैंपेन था। फिफ्थ क्वेश्चन, रिसेंटली इंटरनेशनल यूनियन कंसर्न साइंटिस्ट डाउन लिस्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द एंडेंजरस टू वल्नरेबल स्पीसी। मतलब किस एनिमल को उन्होंने IUCN इंटरनेशनल यूनियन उन्होंने एंडेंजर से वल्नरेबल किया है, वो है स्नो लियोपॉड। तो ये हिमालय में पाया जाता है, हिमालय रीजन के अंदर। इसकी थोड़ी सी जनसंख्या में वृद्धि हुई है, इसकी वजह से इसको एंडेंजर से वल्नरेबल किया गया है, लेकिन फिर भी डेंजर मतलब लुप्त होने का थोड़ा सा कम खतरा है क्योंकि इसकी थोड़ी जनसंख्या बढ़ी है। हिमालय के 3 से 3,500 से 4,000 तक के एल्टीट्यूड में पाया जाता है। सिक्स्थ क्वेश्चन, टेकिंग इन व्यू नक्सल अटैक इन सुकमा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स रेस्पॉन्सिबल टू नक्सल प्रॉब्लम वास। तो ये नक्सल प्रॉब्लम से निपटने के लिए समाधान डॉक्टिंग की थी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में नक्सली प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए। सेवेंथ क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट आर यूज बाय चाइना फॉर इट्स स्ट्रिंग ऑफ पर्ल पॉलिसी। तो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल पॉलिसी है, इसके तहत क्या कर रहा है, चाइना काउंटर कर रहा है इंडिया को, चार तरफ से अलग अलग वहाँ पे पोर्ट बना रहा है, तो अलग अलग पोर्ट डेवलपमेंट कर रहा है ताकि उसके मिडिल ईस्ट से उसके जो इम्पोर्ट करने का वे है वह थोड़ा और आसान हो जाए। तो ये दो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के अंदर ये दो पोर्ट हैं, हम्बनटोटा पोर्ट एंड ग्वादर। ग्वादर पाकिस्तान के अंदर है।
8th question. The International Astronomical Unit AIU has named two mountain ranges on draft planet Pluto. तो Pluto पे दो mountain के नाम रखे हैं वो Tanjung Norgay और Edmund Hillary के नाम से. 9th question. Name the Indian boxer who has won the gold medal in 2017 Asian Women's Boxing Championship. 2017 के Women Boxing Champion में Mary Kom ने gold medal जीता. Next question. India has been re-elected as member of executive board of which organization of UNO? India को दोबारा चुना गया executive member of executive board. तो वो UNO कौन सा organization है? वो है UNESCO में. अभी इसको members मिली इंडिया को वापस. सबसे पहला स्टेट कौन सा था जिसने जीएसटी को रेक्टिफाई किया था? वो था असम. और जीएसटी किस अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत इंट्रोड्यूस किया गया था? ये 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा. फिर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग डिनोमिनेशन नोट्स वाज इंट्रोड्यूस इमीडिएटली आफ्टर द अनाउंसिंग डीमोनेटाइजेशन? 2000 का नया नोट जारी किया गया था जैसे डीमोनेटाइजेशन अप्लाई किया गया उसके बाद 2000 का नया नोट आया. 14th क्वेश्चन. विच स्टेट गवर्नमेंट हैज पुट इन फोर्स नो हेलमेट नो पेट्रोल रूल? कि अगर हेलमेट नहीं है तो कोई पेट्रोल नहीं दिया जाएगा. ये रूल चलाया था आंध्र प्रदेश ने ताकि अवेयरनेस फैलाई जा सके रोड सेफ्टी के बारे में, पीपल यूज करें ज़्यादा से ज़्यादा हेलमेट्स का. इंडिका ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? ये मैगस्थीज के द्वारा लिखी गई है. 16, रास तरंगिनी कंपोज बाय कल्हाना इन द 20th सेंचुरी इज अ मेन सोर्स ऑफ? ये मेन रास तरंगिनी ये कल कौन के द्वारा इसका जो मेन सोर्स है वो हिस्ट्री ऑफ कश्मीर या मेडिकल कश्मीर कह लो, कश्मीर के इतिहास से इसका मेन सोर्स है. 17th, स्कॉलर्स दे रखे हैं उनको मैच करना है कि कौन सा स्कॉलर कहाँ पे है. तो दयानंद सरस्वती के हिसाब से जो ये आर्यन पीपल होते थे और आर्यन पीपल उनके होमलैंड क्या था? उनका होमलैंड तिब्बत था. बाल गंगाधर जी के हिसाब से उनका होमलैंड होता था आर्टिक रीजन. मैक्स मूल कहता है कि वो सेंट्रल एशिया से थे और गंगाधर जहाज जी कहते हैं कि ये सप्ता सिंध रीजन से थे. तो ये 17 का ए आंसर हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18, किंग अशोका बिकम बुद्धिस्ट आफ्टर ही वॉज क्वालिफाइड विद द कि मतलब अहिंसा को त्याग दिया था किस लड़ाई कौन तो वो लड़ाई कलिंग की लड़ाई थी उसके बाद बुद्ध ने युद्ध की जो नीति है वो त्याग दी थी. ये लड़ाई कब हुई थी? ये लड़ाई थी 260 BC के अंदर. 19th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग उड़ीसा टाइप नाग स्टाइल टेम्पल आर फाउंडेड भुवनेश्वर? तो इनमें से कौन कौन से टेम्पल हैं जो नाग स्टाइल इन टाइप के टेम्पल आर्किटेक्चर है देख सकते हो आप, इनमें से कौन कौन से भुवनेश्वर में पाए जाते हैं? तो वो है लिंगराज टेम्पल एक है, मुक्तेश्वर टेम्पल और ये परशुरामेश्वरा टेम्पल. ये जो तीन टेम्पल हैं वो पाए जाते हैं उड़ीसा में जिनका आर्किटेक्चर नाग स्टाइल है. 20th क्वेश्चन, द स्टोरी दैट अलाउद्दीन खिलजी इन्वेडेड टू सिक्योर पद्मावती द क्वीन ऑफ राणा रतन सिंह ऑफ मेवाड़ वाज विविडली डिस्क्राइब्ड बाय? जो मेवाड़ के राजा थे राणा रतन सिंह उनकी पत्नी पद्मावती थी और उनका जो खिलजी और उनका विवरण था ये किस किताब में लिखा है? ये मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित पद्मावती में इसका वर्णन है. Next question, who among these was never elected to the presidentship of Indian National Congress? इनमें से कौन प्रेसिडेंट नहीं चुना गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस का? वो थे खान अब्दुल गफर खान, उनको बादशाह खान भी कहते हैं. 22nd, जो स्वामी विवेकानंद जी थे जो जब उन्होंने US में विजिट किया था 1899 में तो उन्होंने वेदांता सेंटर स्थापित किए थे, वो कहाँ कहाँ स्थापित किए थे? वो किए थे सैन फ्रांसिस्को और लॉस एंजलिस. तो इसका 3 and 4 आंसर हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु मूव एंड विड्रॉ ए रेजोल्यूशन फॉर द एनफ्रेंचाइजमेंट ऑफ वुमेन इन द 1970 सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो ये जो वुमेन से रेजोल्यूशन लेके आई थी वो थी एनी बेसेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, वी डी सावरकर के द्वारा रचित पुस्तक उस पुस्तक का नाम है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. 25, विच ऑफ द फॉलोइंग पीजेंट मूवमेंट इज नॉट प्रॉपरली मैच्ड विद द स्टेट इन विच इट वाज लॉन्च्ड? मतलब
मूवमेंट का नाम दे रखा है, और वो भी किसान आंदोलन और कृषक आंदोलन कह दो, और स्टेट से ही नहीं, तो ये प्रभाना एग्रीगेरियन मूवमेंट, ये वेस्ट बंगाल में होना चाहिए, ना कि महाराष्ट्र में होना चाहिए। बाकी जितने भी हैं ये सही मिसमैच है। मॉकफुल रिवेलियन ये केरला में था, किसान सभा और एकता मूवमेंट ये यूपी में हुआ था, बरदौली सत्याग्रह ये गुजरात में हुआ था, जहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि दी गई। फिर 26वां हूफ अम्बेडकर सत्य बाड़ी स्कूल विद नेशनल स्पिरिट इन उड़ीसा, तो ये स्थापित किया था गोपाल बंधु दास जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग दीज वाज नॉट अ मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन के इनमें से कौन मेंबर नहीं है? तो ये आर्चिबाल्ड लेवल को छोड़ के ये एवी अलेक्जेंडर, स्टफर्ड क्रिप्स, पैट्रिक लॉरेंस, दीज आर द इम्पोर्टेंट मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट मिशन। तो ये फोटो में भी आप देख सकते हो जो कैबिनेट मिशन के लिए मेंबर्स हैं। 28th, द ग्रेटेस्ट क्राइसिस दैट अकबर फेस्ड इन 1582-81 वाज देन व्हेन, तो अकबर 13 साल की उम्र में ही राजगद्दी हासिल कर ली थी, लेकिन राजगद्दी को पलटने की कोशिश की गई थी या हत्याने की कोशिश की गई थी उनके हाफ ब्रदर थे मिर्जा हकीम और उसके द्वारा। तो ये द डिस्ग्रंटेड नोबल एंड ऑफिसर्स डिक्लेयर्ड अकबर हाफ ब्रदर मिर्जा हकीम एज देयर रूलर, तो उनके थोड़े जो गद्दार थे या विपक्षी थे उन्होंने मीर हकीम को गद्दी पर बिठाने की कोशिश की थी। 29th, विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक टाइप द क्वार्ट्ज़लाइट इज रिलेटेड टू, ये क्वार्ट्ज़लाइट जो होता है ये रिलेटेड होता है मेटामॉर्फिक रॉक का एक एग्जाम्पल है। 30, विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन ऑफ इंडिया इज लोकेटेड ऑन टॉपिक ऑफ कैंसर, टॉपिक ऑफ कैंसर 8 स्टेट से गुजर निकलती है और इन जो सिटीज में से भोपाल में से पास होती है। 31st, on the basis of area, which of the following the correct descending order of Indian Union Territory, तो कौन सा करेक्ट मतलब एरिया वाइज इनको अरेंज करना है, तो सबसे बड़ा एरिया बड़ा एरिया अंडमान निकोबार का है, सबसे छोटा दिल्ली का है, सबसे छोटा फिर पुदुचेरी का है, तो ये इसका करेक्ट एरिया वाइज अपने को ऑर्डरिंग दिए यूनियन टेरिटरीज की। 32, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन इज द ओल्डेस्ट, अरावली पर्वतमाला सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द इंडियन फॉरेस्ट इज नॉट करेक्टली मैच, सावन फॉरेस्ट पीपल जो पीपल का जो पेड़ है वो सावन फॉरेस्ट की कैटेगरी में नहीं आता है, मानसून का जैसे ठीक एग्जाम्पल दे रखा है, सही है, मानसून फॉरेस्ट के अंदर सुंदराई पाए जाते हैं, रोज वुड एक एवरग्रीन फॉरेस्ट का एग्जाम्पल है। फिर है कि बल्टू, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन रिवर द मल्टूर प्रोजेक्ट, किस मल्टूर जो प्रोजेक्ट है वो किस नदी पे बनाया जा रहा है, वो कावेरी नदी के ऊपर बनाया जा रहा है, और ये कावेरी नदी पर बनाया जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं। 35th, है कि द आइडियल टेम्परेचर ऑफ ओशन वाटर फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉरल्स, कॉरल डेवलपमेंट के लिए आइडियल टेम्परेचर 25-30 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। 36th, द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर नॉट फाउंड बिटवीन 10 डिग्री से साउथ और 10 डिग्री साउथ लैटिट्यूड ड्यू टू, तो ये साइक्लोन नहीं आते इक्वेटर में 10 डिग्री नॉर्थ 10 डिग्री साउथ, ये इक्वेटर के पास वाले रीजन हो गए शायद, तो इक्वेटर के पास के रीजन से इसका कारण है कोरिओलिस इफेक्ट। मीनिंग क्या होता है कि कोरिओलिस के इफेक्ट की वजह से क्या होता है कि जो विंड्स का जो मूवमेंट का है वो कम ही इफेक्ट होता है, विंड के मूवमेंट से रिलेटेड है, तो इसकी वजह से जो इक्वेटर पर है जो इक्वेटर के आसपास जो एरिया है वहाँ पे साइक्लोन्स कम आते हैं, और जैसे जैसे इक्वेटर से दूर जाते हैं पोल की तरफ कोरिओलिस इफेक्ट बढ़ता जाता है और वहाँ पे अधिक साइक्लोन्स आते हैं। 37th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फेमस फॉर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, लैंचेशायर ये इंग्लैंड के अंदर है, तो ये फेमस है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। जवाहर माइंस जो उदयपुर में है तो ये फेमस फॉर बैकिस मेटल के लिए, तो जिंक मेटल के लिए काफ़ी फेमस है राजस्थान के अंदर उदयपुर में। 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट इज द ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ विंड एनर्जी, कौन सा स्टेट सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है पवन ऊर्जा का, तो वह तमिलनाडु। फिर 40, क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आयरन एंड स्टील प्लांट डज नॉट फंक्शन अंडर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो इनके कौन सा स्टील प्लांट है जो सेल के अंडर नहीं आता, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंडर नहीं आता है, वो है जमशेदपुर वाला, ये तो टाटा ग्रुप इसका मैनेजमेंट और संचालन करता है, मैनेजमेंट और
रंग रहता है पैदा करता है। पिग्मी ट्राइब ये जनजाति कहाँ की है? तो ये होमो बेसिन की प्रजाति है। 42 विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव द हाईएस्ट एंथ्रासाइट कोल रिजर्व? सबसे ज़्यादा एंथ्रासाइट कोल रिजर्व यूएस में पाए जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स ऑन विच द पार्लियामेंट हैज पावर टू मॉडिफाई द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय सिंपल मेजोरिटी? तो सिंपल मेजोरिटी के द्वारा इन कॉन्स्टिट्यूशंस को चेंज कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं। अल्टरेशन ऑफ नेम, बाउंड्री एंड एरिया ऑफ स्टेट? नहीं, इसके लिए स्पेशल मेजोरिटी की सिंपल मेजोरिटी कैसे काम नहीं चले। अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल जजेस के लिए भी, और एबोलिशन ऑफ सेकेंड चैम्बर ऑफ स्टेट रजिस्टर? नहीं, बिल्कुल नहीं, इसके लिए भी आपको स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज, इन सब के लिए अपने को स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। फिर 44, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली? तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चेयरमैन ऑफ द कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। द इंडियन फेडरेशन इज बेस्ड ऑन द पैटर्न ऑफ, तो जो जो इंडिया का फेडरेशन है, जो गठन है, जो संघ है, ये बेस्ड है कनाडा के पैटर्न पे। 46, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द डीएसपी, जिसको कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो डीपीएसपी के अंदर ये तीनों ही आते हैं, यूनियन सिविल कोड फॉर द सिटीजन्स, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव और प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, ये डीपीएसपी के अंदर ही आते हैं। तो यहाँ पे डी इसका आंसर होता है। 47, द फिलोसफिकल पॉस्टुलेट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज बेस्ड ऑन, ये फिलोसफिकल पॉस्टुलेट्स ये संविधान के लिए बेस्ड थे, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑफ पंडित नेहरू 1947, इसके ऊपर बेस्ड थे। 48, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ द स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमेटी अपॉइंटेड बाय द पंडित जवाहरलाल नेहरू? तो इसके जो मेम्बर नहीं थे वो बहुत सीनियर मेम्बर, उनको छोड़ के ये बाकी मेम्बर थे। 49, अंडर आर्टिकल 368 द पार्लियामेंट हैज नो पावर टू रिपील द फंडामेंटल राइट बिकॉज क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर है जो कॉन्स्टिट्यूशन का वो चेंज नहीं किया जा सकता। ये ज़्यादा पार्ट ऑफ द बेसिक और पार्ट ऑफ बेसिक कोई चेंज नहीं किया जाता, ये पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 50th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेक्युलर स्टेट इन इंडिया? सेक्युलर स्टेट का कौन सा एलिमेंट नहीं है? सिविल इक्वेलिटी होनी चाहिए, ये सभी पार्ट है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन होना चाहिए और नो रिलीजन रिलीजियस एजुकेशन बाय द स्टेट, तो धर्म विशेष संबंधी कोई शिक्षा नहीं दी जाएगी ये स्टेट के द्वारा, तो ये सेक्युलर स्टेट का मॉडल है। तो जो इसका आंसर हो गया वो बी हो गया, टैक्सेशन ऑफ रिलीजियस प्रॉपर्टी, ये कोई एलिमेंट नहीं है। फिर 51, विच आर द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस बाई कैमरल लेजिस्लेचर एट द सेंट्रल लेवल इन इंडिया? तो कौन सा एक्ट था इसके तहत? वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इसके तहत बाई कैमरल लेजिस्लेटर है, चाहे लोकसभा हो राज्यसभा के नाम से जानते हैं। फिर 52, हु सेड आल कम्युनिज्म इज हार्मफुल? द लॉजिक ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिज्म इज सेपरेटिज्म एंड मेजोरिटी कम्युनिज्म इज सेपरेटिज्म एंड मेजोरिटी कम्युनिज्म कंटिन्यूएट्स, तो ये जो कथन था वो बिपिन चंद्र जी का था। 53, आर्टिकल 371 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट फॉर स्पेशल विद रिस्पेक्ट फॉर स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो आर्टिकल 371 के तहत स्पेशल प्रोविजन का दर्जा 371 कौन कौन से स्टेट में दिया गया? ये है महाराष्ट्र और गुजरात। फिर है कि 54, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग यूनिटरी सिस्टम? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? देर इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल एंड द लोकल गवर्नमेंट, ऐसा कुछ नहीं है। इसके अलावा बाकी जितने भी स्टेटमेंट वो सही है, एक बार पढ़ लेते हैं। इन यूनिटरी सिस्टम देर इज वन स्टेट एंड वन गवर्नमेंट,
local body is derived their power and autonomy from central government. Unity system is particularly situated for small country, छोटे देशों के लिए ये जगह लाभ करी होती है ये सिस्टम. 73rd अमेंडमेंट जो पंचायती राज से संबंधित था किस स्टेट के लिए लागू नहीं होता है, तो ये लागू नहीं होता है नागालैंड, जितने भी ट्राइबल स्टेट्स थे जिन यहाँ पर ट्राइबल रीजन होते हैं वहाँ पर लागू नहीं होता है, तो ये नागालैंड, मिजोरम, जम्मू एंड कश्मीर और मेघालय यहाँ पर ये एप्लीकेबल नहीं है. तो 1, 2, 3, 4 इसका आंसर हो गया. फिर है 56, द चेयरमैन एंड द मेंबर ऑफ यूपीएससी होल्ड ऑफिस फॉर द टर्म ऑफ, ये 6 साल के लिए ऑफिस होल्ड करते हैं यूपीएससी के चेयरमैन होते हैं, 6 साल का इनका कार्यकाल होता है. 57, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेलियंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये कौन सा इनमें से जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका मुख्य विशेषता नहीं है, कमिटेड जुडिशियरी ऐसा कुछ फीचर नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में. हाँ, वह रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और संविधान को सर्वोच्च माना गया है जो पहला पॉइंट में लिखा गया है. फिर है क्विच फेडरल स्ट्रक्चर, एक फेडरल स्ट्रक्चर है अपने पास और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है स्टेट और सेंट्रल के बीच में. 58, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्लोज ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया, क्लोज नहीं है इनइक्वालिटी ऑफ इंडिया, ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर इन इंडिया, इनइक्वालिटी इन द ओनरशिप ऑफ असेट, ये कॉज है इनइक्वालिटी का, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस करप्शन इज मोटिव. तो ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर इन इंडिया ये इनइक्वालिटी का कारण नहीं है, क्योंकि पहला फैक्टर इसलिए कि जिसके पास ज़्यादा असेट्स होंगे, ज़्यादा संपत्ति होगी, वो अपना विकास ज़्यादा कर पा रहा है, तो ये इनइक्वालिटी का कारण बनता है. लॉ ऑफ इनहेरिटेंस की वजह से और करप्शन और स्मगलिंग तो होती है इनइक्वालिटी. 59, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ नीति आयोग, नीति आयोग के ऑब्जेक्टिव नहीं है, एक को छोड़ के बाकी सारे ऑब्जेक्टिव उसमें इंक्लूडेड हैं. टू फॉस्टर कॉपरेटिव फेडरलिज्म बाई इवॉल्विंग ए शेयर्ड विजन ऑफ द नेशनल डेवलपमेंट फॉर प्रायोरिटीज, डेवलप मैकेनिज्म टू फॉर्मुलेट क्रेडिबल प्लान टू द विलेज लेवल एंड एग्रीगेट दिस प्लान एट द हायर लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, टू पे अटेंशन टू द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी दैट मे नॉट हैव बेनिफिटेड फ्रॉम द इकोनॉमिक प्रोग्रेस. तो ये सारे नीति आयोग के ऑब्जेक्टिव में है, आप इसे देख लेंगे. क्वेश्चन नंबर 60, विच स्टेटमेंट डेफिसिट द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि प्रेजेंट जनरेशन की नीड को रिफॉर्म कर लो विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग विद द नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशन एज वेल, कंसिडर करो वाइल कंसिडरिंग द नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशन, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन होगी. 61st, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्लोज ऑफ ग्रोइंग कंज्यूमर गुड्स मार्केट इन इंडिया, नहीं कारण नहीं है, तो वह ग्रोइंग इनइक्वालिटी इन इंडिया, ग्रोथ ऑफ मिडिल इसकी वजह से कंज्यूमर मार्केट बढ़ेंगे, अर्बनाइजेशन शहरीकरण से भी जो कंज्यूमर है वो बढ़ेंगे, लिबरलाइजेशन पॉलिसी इसकी वजह से भी कंज्यूमर हाथ में, लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा आएगा, ज़्यादा खर्च करेंगे तो कंज्यूमर मार्केट गुड्स मार्केट में कंज्यूमर की तरह बिहेव करेंगे. नेफेड एक कॉर्पोरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये नेशनल लेवल का एक कॉर्पोरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है. प्रधानमंत्री जनधन योजना किसके द्वारा चलाई जाती है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का जो अंडर आता है उसके द्वारा चलाई जाती है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस मिनिस्ट्री है फाइनेंस की. 64th, व्हाट इज मीन बाय ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है कि श्रम विकास, डेवलपमेंट ऑफ एबिलिटीज एंड स्किल ऑफ पीपल्स, ये इसका HCF मीनिंग हो गया ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का. 65th, द मेन आर्गुमेंट टू एस्टैब्लिश स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाई गई थी टू बूस्ट, टू गिव ए बूस्ट टू एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, तो उनको एक्सपोर्ट जो मैन्युफैक्चर गुड्स हैं उनको आसानी से एक्सपोर्ट करने के लिए थोड़ा बूस्टअप दिया जाए. जननी सुरक्षा योजना ये पूर्ण रूप से सेंट्रलाइज स्पॉन्सर्ड स्कीम है. फिर है इंक्लूसिव ग्रोथ इन इंडिया कैन बी अचीव्ड, सतत विकास कैसे अचीव की जा सकती है, तो ये अचीव की जा सकती है थ्रू अ प्रोग्रेसिव टैक्स. प्रोग्रेसिव टैक्स, टैक्स का मतलब होता है कि जिसकी इनकम लो है उस पर कम टैक्स लगाओ, जो हाई
कम वाले पर्सन हैं उनके ऊपर टैक्स ज़्यादा लगाओ। ये प्रोग्रेसिव, जैसे जैसे इनकम का लेवल बढ़ेगा टैक्स जो इम्पोज होगा उसका परसेंटेज भी इंक्रीज होगा। रिग्रेसिव जो टैक्स होते हैं वो टैक्सेस होते हैं जिनकी जो रेट इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर सैलरी कह दो कि मतलब सब पे एक समान ही लागू होता है वो रिग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव बेस्ड इज ऑन देयर सैलरी देयर स्टेटस एसेट्स के ऊपर बेस्ड होता है। जिसके पास कितना सैलरी है कम असर वाले या कम सैलरी पर्सन पे कम लगाया जाता है, गरीबों पर कम टैक्स लगाना, अमीरों पर अधिक टैक्स लगाना, ये प्रोग्रेसिव टैक्स पॉलिसीज के अंदर आता है। फिर स्टेट पेमेंट बैंक्स आर डिफरेंट फ्रॉम अदर कमर्शियल बैंक्स इन द फॉलोइंग वे कि एक्सेप्ट डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, प्रोवाइड पेमेंट्स एंड रेमिटेशन सर्विसेज, डिस्ट्रीब्यूट थर्ड पार्टी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, बट नॉट अलाउड टू लैंड और इशू कार्ड्स, पर कार्ड जारी नहीं कर सकते। तो ये पेमेंट बैंक की खासियत है। 69 यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस एम्प्लॉयमेंट इज मेजर्ड, प्रिंसिपल स्टेटस मेजर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस कैसे मेजर किया जाता है, ये नंबर ऑफ पर्सन हु रिमेन अनएम्प्लॉयड फॉर मेजर पार्ट ऑफ द ईयर। तो ये इसका मेजरिंग का तरीका है कि कितने बंदे अनएम्प्लॉयड रह रहे हैं अधिक पूरे मतलब मेजर पार्ट ऑफ मतलब अधिकतर समय के लिए। तेंदुलकर कमेटी क्यों गठित की गई थी, ओल्ड एस्टिमेशन के लिए गठित की गई थी। 71st, which of the following sector has attracted the highest foreign direct investment in India during recent? तो किस सेक्टर में FDI सबसे ज़्यादा आई है, तो वो है सर्विस सेक्टर। फिर एक 3 US साइंटिस्ट जिनको नोबेल प्राइज दिया गया है फिजिक्स में, कौन कौन से थे और वो भी काम किया है लिगो नाम के डिवाइस के ऊपर जो वेव होता है ग्रेविटेशन वेव्स के ऊपर, वो है रेनेविस, किप थॉर्न और बैरिश। ये 3 साइंटिस्ट थे। ये चौथा उसको हटा दो, ये इसका क्वेश्चन आंसर हो गया, जेम हनिंगम इन्हीं के साइंटिस्ट। 73rd, डार्क सोइल ऑयल विद हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज कंसिडर हाईली प्रोडक्टिव एज इट कंटेन, जो काली डार्क कलर सोइल होती है ब्लैक सॉइल कह दो, उनमें क्ले और ह्यूमस अधिक होता है। और 74th, द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू लाइफ फॉर्म इन ए न्यू हैबिटेट इज इनिशिएटेड बाय द प्रोसेस ऑफ माइग्रेशन। बायोलॉजिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, ये बैलेंस होता है बिटवीन प्रोड्यूसर कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर, इन तीनों के बीच में प्रोड्यूसर कंज्यूमर और डिकम्पोजर के बीच का बैलेंस को बोलते हैं बायोलॉजिकल इक्विलिब्रियम। और इकोसिस्टम में बायोकेमिकली ऑक्सीजन जो होती है BOD इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया, इसे इसलिए बन जाता है। 77, ओजोन लेयर इज द स्ट्रेटोस्फीयर इज अफेक्टेड बाय द इंक्रीज इन एटमोसफेयर कंसेंट्रेट ऑन कंसेंट्रेशन ऑफ द ओजोन लेयर पे जो स्ट्रेटोस्फीयर पे होती है वो सबसे ज़्यादा किससे प्रभावित होती है, वो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन से ज़्यादा प्रभावित होती है। इसके तहत जो लेयर होती है उसकी थिकनेस रिड्यूस होती जाती है। 78, consider the global warming potential of CO2 as one, the global warming potential of CO2 as C4 has estimated to approximately 21% level. The near estimate kya hai? 79, the pollutant like phenol and mercury can be removed from water. So, in this type of pollutant ko apan biological oxidation ki sahayata se remove kar sakte hain. फिर है कि पॉल्यूटेंट जनरेटेड इन हाई क्वान्टिटी बाय द थर्मल पावर प्लांट, तो ये SO2 सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होती है थर्मल पावर प्लांट से। अर्थ समिट रियो दी जेनेरिया समिट 1992 को जो रियो दी जेनेरिया शहर में ऑर्गेनाइज हुआ था उसको अर्थ समिट के नाम से जाना जाता है। LNG किसकी फुल फॉर्म है, ये लिक्विफाइड नेचुरल गैस इसकी फुल फॉर्म है। क्योटो प्रोटोकॉल was signed by the country that Kyoto in 1997 में 84th, the first nuclear reactor in India was built in 1956, उसका नाम था अप्सरा। फिर एक बायोगैस प्लांट के अंदर एनारोबिक डाइजेस्टर होता है, एनारोबिक डाइजेस्टर मतलब वो डाइजेस्टिव सिस्टम जिसके अंदर जो बैक्टीरिया बन रहे हैं वो उनको खाना बनाने में सनलाइट
या फंगी डेवलप हो जाए तो सनलाइट और एयर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो एनवायरमेंट डाइजेस्टर्स होते हैं। ओटीसी की फुलफॉर्म होती है ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। फिर ब्रॉन्ज किसका लॉ है, ये तो कॉपर और टिन का लॉ है। 88 तो आयरन का एक और कौन सा इनमें से, तो वह सिड्राइट एक आयरन का हो रहा है। फिर एक सिल्वी कल्चर किसे कहते हैं, आर्ट एंड साइंस ऑफ कल्टीवेटिंग फॉरेस्ट ट्रीज, उसको बोलते हैं सिल्वी कल्चर। क्वेश्चन 90 एविड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, सुच वनों का ये जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये लोग कितने हैं। 91st ये एक thought the dozen of sick and planes that have disappeared under the mysterious circumstances in the area of bad luck and extraterrestrial activity. This area is known as Bermuda Triangle. तो ये इमेज में देखो, ये बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में बात की जा रही है। फिर एक ब्लीचिंग पाउडर यूज इन फिश पॉन्ड इज वर्किंग एज, वो एज ए डिसइंफेक्टेंट की तरह काम करता है। फिशिंग गेट्स क्या होते हैं, ये डिवाइस मछली पकड़ने के जो अलग अलग औजार होते हैं, डिवाइस यूज टू कैच प्रॉन लॉबस्टर सच एज नेट ट्रैप्स हुक इवन हैंड, इनको अपन फिशिंग गेट्स बोलते हैं। जो पुराने वाले लट्टू के बल्ब होते थे उसकी उम्र 1000 वर्ष होती थी, और LED बल्ब की उम्र बताओ लाइफ टाइम कितनी होती थी, उसके 20000 वर्ष होते थे। फिर 95th शेफ थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ CO2 कंसेंट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर इन PPM इज 350 पार्टिकल, PPM होता है पार्टिकल यूनिवर्स है, तो वो इतने तक कॉपन सेफ होते हैं। 96th द डिटेक्शन ऑफ ग्रेविटेशन वेव ऑन 14 September 2015 बाय LIGO, ये LIGO जो डिवाइस है जिनको फिजिक्स इस साल 2017 का फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला था। Collaboration from merge of two black holes is the first direct detection of gravitational waves and the first observation of binary black hole merger. This provides evidence for Einstein theory, general theory of relativity. ये evidence provide करना general theory of relativity. Syngas ये mixture होता है carbon monoxide, hydrogen कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन का। फिर है कि विच कमिटी हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द यूनियन मॉनिटरिंग द सॉल्यूशन टू एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन सॉल्यूशन के लिए, तो ये कमेटी का नाम था CK मिश्रा कमेटी। फिर 99 टू मेजर फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ एनी इकोसिस्टम, दो मेजर फंक्शनल कंपोनेंट किसी इकोसिस्टम के, वो न्यूट्रिशन साइकिल और एनर्जी फ्लो, ये दो। 100th question, extinction critically endangered vulnerable earth category assigned by IUCN के द्वारा ये category assigned की जाती है species के उनके population के ऊपर intervention होने वाली है, किस कितना threat है वो इसके ऊपर based है। तो ये सारे question थे जो पूछे गए थे उन्नीस साल पब्लिक सर्विस कमीशन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के अंदर। लाइक दिस प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू।